हेलो, वेलकम टू स्ट्रेटिफाई इंडिया। यहाँ पे हम कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा कम डिस्कस की जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में छुपाया जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें सिर्फ कुछ सीक्रेट बुक्स या फिर कुछ ऐसे एंशिएंट प्रूफ्स में से ही पता चल सकता है। तो हम ऐसी माइथोलॉजीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट सीरीज इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे बनाई गई है। ये पॉडकास्ट सीरीज में हम हर मंडे एक नया पॉडकास्ट लॉन्च करेंगे जिसमें हर बार कुछ नया सा टॉपिक होगा और उसके ऊपर हम डीप डिस्कशन कर रहे होंगे। सो डू फॉलो अस फॉर गेटिंग अपडेट्स अबाउट दिस टॉपिक्स। जैसा कि हमें पता है, आज का जो भी टाइम है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है। हर चीज़ में आप देखो टेक्नोलॉजी आ रही, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें टेक्नोलॉजी ने अपना कदम ना रखा हो। ऑलमोस्ट सारी की सारी फील्ड में टेक्नोलॉजी ने अपना कब्जा बना के रखा है और ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी फेज है ह्यूमन हिस्ट्री के लिए कि वो टेक्नोलॉजी को अपना रहे। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करें जो कि बिलोंग करती है एंशिएंट इंडिया से, मतलब कि अगर आप कुछ ऐसे बुक्स पढ़ोगे एंशिएंट बुक्स लाइक महाभारत और रामायण, तो उनमें हमें पता चलेगा कि उनमें भी कुछ ऐसी अलग टाइप की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया गया है। हमारे वेद वगैरह में भी ये सारी चीज़ों को बताया गया। तो क्या उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी उनके टाइम जो कि कुछ अलग टाइप के वर्क कर सकती थी, जो कि कुछ एडवांस टाइप के वर्क कर सकती हो, जिनके बारे में हम अभी अवेयर ना हो? तो उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे ये एक टॉपिक है जिनके बारे में हम आज पॉडकास्ट बना रहे हैं। हमारा एंशिएंट इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। हमारे एंशिएंट इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि उनके ऊपर यकीन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। मैं आज आपको एक ऐसे ही राजा के सीक्रेट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, सम्राट अशोक। एक ऐसा नाम जो कि ऑलमोस्ट हर इंडियन के ब्रेन में पड़ा हुआ है, जिनके बारे में थोड़ा बहुत तो सबने सुना ही होगा क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में आप ले लो या फिर कुछ हमारे कल्चर में भी आप ले लो, सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है। इवन हमारे इंडियन फ्लैग में भी उनका अशोक चक्र यूज़ किया गया और इंडियन करेंसी के ऊपर भी उनका जो भी स्तंभ है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए सिंबल। तो उन्होंने अपने टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिनकी वजह से वो इतने पॉपुलर हैं। अगर हम बात करें उनके टाइम की, तो उनके टाइम में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल किया था। उन्होंने इतना ज़्यादा इंडिया को डेवलप किया था और इतना ज़्यादा स्प्रेड किया था जिसकी वजह से इंडिया की बॉर्डर ऑलमोस्ट जापान तक पहुंच गई थी। तो ये काफ़ी बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल करने के पीछे सम्राट अशोक का हाथ रहा है। सम्राट अशोक ने कुछ 268 से लेके 232 बीसी तक रूल किया था और उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो वो पाटलिपुत्र में यानी कि अभी के पटना में उनका जन्म हुआ था। और उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिस्कस करें तो उनका बिहेवियर काफ़ी क्रूरल था एट अ टाइम। मतलब कि ऑफकोर्स आपने काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें सुनी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ डार्क सीक्रेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उनके स्टार्टिंग के कुछ टाइम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रूरलिटी दिखाई है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मान लो कोई क्रिमिनल है और अगर उनसे कुछ बात उगलवानी हो तो ऑफकोर्स वो टॉर्चर वगैरह करते, लेकिन ये टॉर्चर इतना क्रूरल करते थे, मैं आपको बताता हूँ। वो आयरन से जो भी सस्पेक्ट होता है उसका मुंह आयरन से ओपन करवाते थे और उसमें बॉइलिंग कॉपर डालते थे। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना क्रूरल तरीके से टॉर्चर करते थे। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ होता है जिससे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। वो बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेते हैं
और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, काफ़ी सारे अपग्रेड्स करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में टॉप पे लाने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। तो ये सब चीज़ें किस तरह से चेंज होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, और यही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कलिंगा एक प्लेस है ओडिशा में, ये प्लेस को याद रखना क्योंकि ये प्लेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। कलिंगा में एक वॉर हुआ था जिसका नाम ऑफकोर्स उसके प्लेस से ऊपर है, कलिंगा वॉर, और ये वॉर ने सम्राट अशोक की पूरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि ये वॉर में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है, किस तरह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है, और यही सारी चीज़ों को देख के उनका हृदय परिवर्तन होता है, और ये सारी चीज़ों को देख के वो बुद्धिज़्म को ज्वाइन करते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा बताया गया है और काफ़ी कम लोग ऐसा बताते भी और क्लेम करते हैं कि एक्चुअली उन्होंने ये वॉर से पहले बुद्धिज़्म ज्वाइन किया था, लेकिन हमारे मेन सोर्सेज जो कि स्ट्रॉन्ग प्रूफ प्रोवाइड करें ऐसे सोर्सेज जो भी हैं, वो सारे सोर्सेज का ऐसा ही मानना है कि उन्होंने ये वॉर के बाद ही बुद्धिज़्म को ज्वाइन किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है उनकी लाइफ के लिए और इंडिया के पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, क्योंकि इन दी एंड जो भी राजा होता है उसी के हाथ में उसकी पूरी की पूरी कंट्री होती है। तो ये तो बात हो गई उनके हृदय परिवर्तन की। थोड़ा सा टॉपिक से हटके अगर हम आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करें, तो हमें पता है कि किस तरह से हर कंट्री अपने आप को स्ट्रांग बनाती जा रही है, कुछ ऐसे वेपन्स को वो क्रिएट कर रही है, अपने आप को स्ट्रांग बना रही, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों को वो इन्वेंट कर रही है बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंट नॉलेज। वो कुछ ऐसी रिसर्च वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे कि वो कुछ ऐसे वेपन्स बना पाए जिससे वो अपनी कंट्री को सिक्योर कर पाए और अपने जो भी दुश्मन देश हैं उनसे वो अपनी कंट्री को बचा सके। तो इसके लिए सारी कंट्री कुछ ना कुछ रिसर्च करती है इन सारी चीज़ों पे। अगर हम ये वेपन्स वगैरह की डेवलपमेंट की बात करें तो हमें पता है कि किस तरह से सारी कंट्री अभी एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर जो भी चीज़ होती है उस पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती है, और जिस भी कंट्री के पास ये पावर होता है उस कंट्री को स्ट्रांग माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें सम्राट अशोक को उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो गई थी, और उन्होंने ये नोटिस किया था कि आप किस तरह से नॉलेज से किसी भी चीज़ को रूल कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल ला सकते हो, किसी भी नाजुक से नाजुक चीज़ को आप अपग्रेड कर सकते हो और उसे डायमंड की तरह स्ट्रांग बना सकते हो। लेकिन एक दिक्कत ऐसी थी कि अगर ये नॉलेज सेम नॉलेज अगर इनमी या फिर रॉन्ग हैंड्स में चला जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयमेंट भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा खून भी बह सकता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ थी जो उनके दिमाग में चल रही थी, और इसी का सॉल्यूशन लाने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को बनाने का सोचा। तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को डेवलप किया जो कि अलग अलग नॉलेज फील्ड के बेसिस पे कैटेगराइज थी, क्योंकि यही एक तरीका है नॉलेज को रॉन्ग हैंड से बचाने का, सीक्रेटली नॉलेज को कैप्चर करो और सीक्रेटली उसको यूज़ करो। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सीक्रेट सोसाइटी, काफ़ी सारे लोगों को उनकी डेफिनेशन नहीं पता। तो सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जितने भी ग्रुप ऑफ लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और उनका एक मेन गोल होता है जो कि उनके लीडर ने उनको दिया रहता है, या फिर उनका पर्टिकुलर एक ही सेम सा रूल रहता है। तो ये सीक्रेट सोसाइटी की डेफिनेशन मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दी। इनके कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ बेटर आइडिया की, तो इल्यूमिनाटी हो गया, फ्रीमेसन्स हो गया, डक टक हो गया, बिल्डरबर्ग ग्रुप हो गया, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी इंटरनेट पे या फिर न्यूज़ में। तो ये सारी सीक्रेट सोसाइटी के पॉपुलर नाम है, ये काफ़ी पॉपुलर सीक्रेट सोसाइटी
हुआ करती थी या फिर है। और सीक्रेट सोसाइटी से ही कुछ मिलता जुलता वर्ड कल्ट, मतलब कि ये चीज के ऊपर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सीक्रेट सोसाइटी और कल्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ पर ये दोनों चीजों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखो, सीक्रेट सोसाइटी में जितने भी मेंबर होते हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं और वो उनका एक मेन गोल रहता है और वो उनको अचीव करने के लिए अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करते हैं। कल्ट में वो एक पर्टिकुलर अपने खुद के प्राइवेट रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो उनके अपने रिचुअल्स होते हैं उनको वो दोहराते हैं। तो ये सारी कल्ट में चीज़ें होती, तो ये बेसिक अपना डिफरेंस रहता है। अगर मैं कुछ पॉपुलर कल्ट्स के नाम लूँ तो वो है द हेवंस गेट, ब्रांच डिविडियंस, भगवान श्री राजनीश बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ओशो कल्ट नाम आपने सुना ही होगा। तो ये सारे पॉपुलर कल्ट्स और इनके बारे में हमें पता ही, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आता रहता है। फिर से अशोक की सीक्रेट सोसाइटी पे आते हैं और उनका जो भी पर्पस था ये सीक्रेट सोसाइटी का, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनका मेन गोल ही ये था कि वो नॉलेज को कैप्चर करेंगे, रिसर्च करेंगे और उनको गलत हाथों में पड़ने से बचाएंगे, जितना भी नॉलेज है उसको। तो उन्होंने टोटल 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी को डेवलप किया था और ये 9 लोग 9 किताबों के ऊपर वर्क करते थे जो कि अपने अपने नॉलेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये 9 कौन कौन सी बुक्स हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली जो बुक मानी जाती है वो है राजनीतिक बुक, मतलब कि प्रोपेगेंडा की बुक, और ये बुक को स्टार्ट किया था कालिदास ने, ऐसा माना जाता है। ये सबसे पहली बुक है 9 किताबों में से, और जैसे कि मैंने बताया ये राजनीति के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें वही सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि किस तरह से आप पूरे के पूरे लोगों का ओपिनियन चेंज कर सकते हो, किस तरह से पॉलिटिक्स खेल सकते हो, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे डीप नॉलेज डिस्कस किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज यहाँ पे दिया गया है अबाउट पॉलिटिक्स। ऐसा माना जाता है कि ये बुक में इतनी डीप नॉलेज है कि इस बुक को यूज़ करने के बाद अब पूरे के पूरे वर्ल्ड को गवर्न कर सकते हैं, चला सकते हैं, रूल कर सकते हैं। तो ये बुक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हमारी बुक्स की लिस्ट में, तो दूसरी बुक आती है फिजियोलॉजी के ऊपर। अगर इसका प्योर हिंदी वर्ड मैं आपको बताऊं, तो इसका मीनिंग होता है शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब कि हमारे बॉडी का जितना भी साइंस रहेगा, बायोलॉजी वगैरह, वो इस बुक में एग्जिस्ट करता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आप सिर्फ किसी भी इंसान को टच करके उसको मार सकते हो। तो ये जो भी नॉलेज है इसको बोला जाता है द टच ऑफ डेथ, और ये पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग नॉलेज इस बुक में एग्जिस्ट करता है ऐसा माना जाता है। और कुछ सोर्सेज ऐसा क्लेम करते हैं कि इसी में से एक चीज़ लीक हुई थी और ये लीक जो भी चीज़ हुई थी उसका नाम मार्शल आर्ट, विच इज़ पार्ट ऑफ जूडो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्शल आर्ट काफ़ी पॉपुलर है और ऑलमोस्ट सबको पता है मार्शल आर्ट के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि मार्शल आर्ट का मेन सोर्स ये बुक है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस धन्वंतरी ने इसको लिखा था। थर्ड इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर ये बुक लिखी गई थी और इस बुक में वायरसेस या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बायोलॉजी के जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं और जितना भी माइक्रो वर्ल्ड है उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया। चौथी बुक की तरफ जाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि चौथी बुक में अल्केमी का नॉलेज एग्जिस्ट करता है, जिसको भी अल्केमी नहीं पता। तो केमिस्ट्री का जो भी रूट होता है और एंशिएंट ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, जो भी मिस्टिक्स वगैरह होती है, वो सारी चीज़ों के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया और उसको अल्केमी बोलते हैं। ये वाली बुक को अमर सिन्हा ने लिखा था और इसमें काफ़ी सारे मेटल्स के बारे में डिस्कस किया गया। कुछ सोर्सेस का मानना है कि वो टाइम में काफ़ी सारा सोना जो है वो लाया गया था और उसका सोर्स अनडिफाइंड है। तो
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो जितना भी गोल्ड था उसको आर्टिफिशियली डेवलप किया गया था इन्हीं सारे अल्केमी रिसर्च के द्वारा। तो ये अपने आप में एक मिथ है। तो ऑफकोर्स ये बुक में कुछ ऐसा केमिस्ट्री छुपा हुआ है जो कि आज के इस मॉडर्न टाइम में भी हमें नहीं पता। पांचवी किताब कम्युनिकेशंस के ऊपर थी। कम्युनिकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम्युनिकेशन आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बुक में कुछ अलग टाइप के कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया। नॉर्मल कम्युनिकेशन तो डिस्कस किया ही गया, लेकिन कुछ हमारे प्लैनेट से बाहर के जो भी लोग हैं उनसे किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो उसके बारे में भी इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई। मतलब कि बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो एलियन से किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो इसका पूरा का पूरा नॉलेज इसमें एक्सप्लेन किया गया। और ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है अपने आप में ही। बुक में कुछ ऐसी चीज़ें एक्जिस्ट करती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और आज के टाइम में भी हमें नहीं पता किस तरह से हम एलियन के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में अपना एक फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये जो सिक्स्थ बुक है वो ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से आप ग्रेविटी को डिफीट कर सकते हो, मतलब कि आप प्लेन्स वगैरह बना सकते हो, स्पेसशिप्स बना सकते हो। और इसी के ऊपर से विमानी का शास्त्र भी डेवलप किया गया था ऐसा माना जाता है। बरारुचि ने इस बुक को स्टार्ट किया था। जब यूनिवर्स की बात कर ही रहे थे तो यूनिवर्स में काफ़ी सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि ब्लैक होल हो गए, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, कुछ कॉस्मिक इवेंट्स हो गए, और कुछ डार्क मैटर्स वगैरह भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज का एडवांस नॉलेज भी इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया था सेवन्थ बुक में, जो कि कॉस्मोलॉजी के ऊपर थी, ब्रह्मांड का विज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और इसको वराहमिहिर ने लिखा था। इस बुक में ऐसे ऐसे चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि आज का एडवांस नॉलेज भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम में सूरज से पृथ्वी तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको मेज़र किया था। और भी काफ़ी सारी कॉस्मोलॉजी के बेसिस पे जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। तो ये बुक भी अपने आप में काफ़ी सारा डीप नॉलेज कंटेंट करती है जिसको हम ऑफकोर्स इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट से देख सकते हैं, और इसी लाइट के बारे में डिस्कस किया गया था आठवीं किताब। इसमें बताया गया था कि किस तरह से आप लाइट को एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है अभी का एडवांस नॉलेज लेजर लाइट्स वगैरह को डेवलप करने का नॉलेज रखता है, और हमें पता है कि लेजर से हम सर्जरी वगैरह करते हैं, तो ऑफकोर्स इट्स वेरी पॉसिबल कि उसका इस्तेमाल हम एज अ वेपन भी कर सकें। यही सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट भी मेज़र करके रखी थी, और उसका भी काफ़ी सारा नॉलेज ये बुक में एक्सप्लेन्ड है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, इसके ऊपर भी उन्होंने बुक बनाई थी जिसमें सारी की सारी सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया। इसमें कुछ ऐसे रूल्स वगैरह को डिस्कस किया गया जिससे कि हम सोसाइटी को काफ़ी कम टाइम में रेवोल्यूट कर सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टॉप पे लाया जा सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया लास्ट बुक में। अकॉर्डिंग टू सोर्स इसको वेताल भट्ट ने लिखा था, और अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कुछ बुक्स में ऑथर्स के नाम बताए, मतलब कि जिन जिन लोगों ने ये बुक्स को स्टार्ट किया उनके नाम बताए, और कुछ बुक्स में नाम नहीं बताए। तो जिस बुक में मैंने नाम नहीं बताए वो बुक थी माइक्रोबायोलॉजी की बुक, कम्युनिकेशन, और ये लास्ट लाइट की बुक। तो ये तीन बुक में मैंने इसलिए नाम नहीं बताए क्योंकि इनके जो भी ऑथर्स हैं उनमें कुछ कन्फ्यूज़न है। टोटल तीन ऑथर माने जाते हैं ये तीनों बुक के। इन नौ किताबों के बारे में जानने के बाद हम सबके दिमाग में एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे एंशिएंट इंडियन टाइम में
इतना हैवी नॉलेज जैसे कि कॉस्मोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ये सारी चीज़ें किस तरह इन्होंने इकट्ठा की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस टाइम पे चाणक्य, आर्किमिडीज, यूक्लिड जैसे काफ़ी महान वैज्ञानिक रह चुके हैं। और हमें पता ही है कि इन सभी साइंटिस्ट की रिसर्च या फिर इन्वेंशंस काफ़ी रेवोल्यूशनरी रह चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। और ये साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी खोज हमें आज के टाइम में भी काम आती है, जैसे कि चाणक्य नीति हो गई। चाणक्य को इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट मैन माना जाता है और वो काफ़ी हद तक सच भी है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉइंट आउट करते कि हाँ, उस टाइम में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज था और वही नॉलेज के इस्तेमाल करके इन्होंने ये सारी बुक्स लिखी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सीक्रेट सोसाइटी के कुछ अपने रूल्स होते हैं, तो हाँ, इस सोसाइटी के भी कुछ अपने रूल्स थे। उन्हीं रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इनका रूल था कि एक टाइम पे ये सोसाइटी में टोटल 9 ही मेंबर रह सकते हैं। मतलब कि मान लो कोई मेंबर की हालत ख़राब होती है, वो एज्ड हो जाता है, उनकी हेल्थ में कुछ का दिक्कतें आती हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में उनकी जगह पे उसी टाइम पे दूसरा मेंबर रख दिया जाएगा। तो एक टाइम पे 9 मेंबर से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, 9 मेंबर से कम भी नहीं हो सकते। तो ये इनका सबसे पहला और मेन रूल था। और इसी तरह से ये सोसाइटी 2000 सालों से भी ज़्यादा तक चलती आ रही है और यही एक फैक्ट है इनके पहले रूल का। इनका एक दूसरा काफ़ी बेसिक रूल है जो कि मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन सा ही कर दिया। उनका दूसरा रूल यही है कि जो भी मेंबर है उनको जो भी टास्क दिया गया है, मतलब कि जो भी उनका सब्जेक्ट है, जो भी उनकी फील्ड है, मान लो कि कॉस्मोलॉजी, तो वो कॉस्मोलॉजी पे स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस चीज़ को और पॉलिश करेंगे, उस नॉलेज को और एक्सटेंड करेंगे, उसको और अपग्रेड करेंगे टाइम टू टाइम, और अल्टीमेटली उसको परफेक्शन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। और यही चीज़ें रिपीट होंगी नया मेंबर आने के बाद। तो ये इनका बेसिक सा सेकंड रूल था और यही दो रूल पे ये कंप्लीट सोसाइटी चल रही है आज तक। ये सब तो बात हो गई रूल्स वगैरह की, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। हमारी हिस्ट्री में कुछ कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मिथ नहीं, एक फैक्ट है। उसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला एक इंसिडेंस ये है कि अलेक्जेंडर यारसिन वो इंसान थे जिन्होंने ब्यूबोनिक कॉलेरा और प्लेग की इम्यूनोटॉक्सिन फाइंड की थी। वो इंडिया में आते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो टाइम पे प्लेग और कॉलेरा वगैरह इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ रोग था। तो काफ़ी सारे फॉरेन साइंटिस्ट इंडिया में आते थे, रिसर्च करते थे और इन्हीं सारी चीज़ों की इम्यूनोटॉक्सिन पे वो रिसर्च किया करते थे। अलेक्जेंडर यारसिन भी इन्हीं साइंटिस्ट में से एक था। वो ट्रैवल करके इंडिया में आते हैं, रिसर्च करते हैं। अपेरेंटली वो मद्रास में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक स्ट्रेंज मैन मिलता है जो कि उन्हें डायरेक्टली इस इम्यूनोटॉक्सिन का फॉर्मूला प्रोवाइड कर देता है। और ये काफ़ी स्ट्रेंज मोमेंट है क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी रैंडम इंसान आके इतनी हैवी पेंडेमिक का सॉल्यूशन कैसे दे सकता है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। और ये चीज़ एक्चुअली कंफर्म की गई है खुद अलेक्जेंडर यारसिन से। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा, जगदीश चंद्र बोस का नाम तो हमने सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर इंडियन साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो भी ये चीज़ के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर माने जाते थे। वो ये थियरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते थे कि 9 सीक्रेट में इनकी ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर आते हैं। इन 900s लोगों को एक वीयर गैजेट मिलता है और कुछ टाइम तक उसको वीयर गैजेट की कैटेगरी में रख दिया जाता है, लेकिन उसकी एक स्ट्रेंज बात बताना चाहूँगा मैं आपको। वो जो गैजेट था वो एक डॉल थी
जो कि कुछ ब्रॉन्ज मटेरियल से बने थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर करती थी यस और नो में। वो सिर्फ यस और नो बोलती थी लेकिन वो आपके क्वेश्चन का आंसर करती थी। तो ये काफ़ी वियर सी चीज़ है, मतलब कि ये तब की बात है जब कंप्यूटर्स फाइंड भी नहीं हुए थे, उनका इन्वेंशन तक नहीं हुआ था, तब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था। उस टाइम में एक ऐसी डॉल मिलना काफ़ी वियर चीज़ है जो कि आपका यस और नो में आंसर दे पा रही है। इवन आज के टाइम में भी हमारे पास कुछ AI वगैरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग AI हम बिल्ड नहीं कर पाए जो कि हमारे हर सवाल का जवाब दे पाए। तो ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज है। इस डॉल का नाम था ब्राजन हेड, क्योंकि ब्रॉन्ज की बनी थी तो इसको ऐसे ही इसका नाम दे दिया गया था। बाद में पता चलता है एक रिसर्च के दरमियान कि ये जो भी डॉल है उसके अंदर बाइनरी प्रोग्रामिंग यूज की गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये डॉल के अंदर इतने ओल्ड टाइम में बाइनरी प्रोग्रामिंग किसने यूज़ की थी। वो टाइम था जब बाइनरी प्रोग्रामिंग इन्वेंट तक नहीं हुई थी, तो कैसे कोई भी इंसान बाइनरी प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकता है। और ये बाइनरी गैजेट जो भी है ये काफ़ी वियर्ड प्रूव हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि ये जो भी डॉल है इसको वन ऑफ द 9 मैन जो भी है सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर्स, उनमें से किसी एक मेंबर ने ये डॉल को दिया गया था, उसमें से एक मेंबर ने इस डॉल को प्रोवाइड किया था। इस डॉल को जब पब्लिकली चर्च में दिखाया गया था तो इसको दिखाते समय मिस्टीरियसली जो भी इंसान इसको दिखा रहा था वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि सीक्रेट को सप्रेस करने के लिए, फैक्ट को सप्रेस करने के लिए 9 मेंबर्स ने इस इंसान का मर्डर किया था। और ये मिस्ट्री यहीं पे ही मिस्ट्री बन जाती है अपने आप में, और ये काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में आज भी छोड़ के जाती है। इन दी एंड मैं आपसे यही चीज़ें बताना चाहूँगा कि रामायण महाभारत जैसी बुक्स में हमें काफ़ी सारा एडवांस नॉलेज मिलता है। मतलब कि भले ही वो चीज़ आज के टाइम में एग्जिस्ट ना करती हो या फिर उनको एक माइथोलॉजी के नाम से टाइटल दे दिए गए, लेकिन इट्स वेरी पॉसिबल कि वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हो। कुछ कुछ प्रूफ्स आज भी हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, और काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो कि ऐसी चीज़ों पे पॉइंट आउट करते हैं कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी एक टाइम पे। अगर हम बात करें सम्राट अशोक के टाइम की, तो उनके टाइम में भी काफ़ी सारी ऐसी खोज हुई थी। अब चाणक्य को ही हम ले लेते हैं, तो उन्होंने अपने टाइम में अपकमिंग 5000 ईयर्स के लिए पूरा का पूरा प्लान करके रखा था, और उसको हम चाणक्य नीति बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो ये हमें काफ़ी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अशोक की सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और आज भी इस दुनिया में वो अपनी जो भी नॉलेज की पावर है उसको अपग्रेड करती जा रही। सम्राट अशोक की बात करें तो हाँ, कुछ टाइम था ऐसा कि जब वो काफ़ी क्रूरल हुआ करते थे, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था उसका, लेकिन बुद्धिज्म को ज्वाइन करने के बाद उनका पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन होता है और वो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। उनके टाइम की बात करें तो उन्होंने अपने टाइम में जो भी रोड्स होते हैं, कम्युनिकेशंस के रोड होते हैं, उनमें साइड में उन्होंने ट्रीज वगैरह को प्लांट किया था, और भी काफ़ी सारे उन्होंने अपग्रेड्स किए थे, जैसे कि उन्होंने जगह जगह पे रेस्ट हाउसेस बनाए थे। उन्होंने ऑल्सो काफ़ी बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया था रोड्स का, जिससे कि जो भी लोग हैं उनको किसी भी जगह पे आने जाने में दिक्कत ना हो, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या फिर कोई भी कॉमन नीड्स हो गए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने आज की तरह काम नहीं किया था, उन्होंने एनिमल्स के लिए भी काफ़ी सोचा था, और ये जो भी रोड्स बनाए थे वो ह्यूमन फ्रेंडली तो थे, उसके साथ एनिमल फ्रेंडली भी बनाए गए थे, जिससे कि कोई भी जानवर हो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था। और उनके महान 33 स्तंभ के बारे में तो हमें पता ही होगा, सबने सुना है उनके बारे में, और उन्हीं में से एक हमारा सारनाथ का स्तंभ है,
ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो भी सारनाथ का स्तंभ है, इस पिलर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि फ्यूचर में भी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रस्ट ना लगे, और ये कम्प्लीटली 100% आयरन से बनाया गया। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक कि उसके ऊपर रस्ट क्यों नहीं लग रहा, क्या उन्होंने किसी डिफरेंट टाइप का मेटल यूज़ किया है या फिर किसी भी टाइप का केमिकल कोटेशन लगाया। ये अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री है, और ये भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो कि पॉइंट आउट कर दिया कि हाँ उस टाइम में कुछ तो एडवांस नॉलेज एग्जिस्ट करता था जो कि हमारे पास आज के टाइम में भी नहीं है। हमारा मेन पर्पस भी यही है कि आपको ऐसी स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिससे कि आज की न्यू जनरेशन को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ ये जो भी नॉलेज है वो मिलता रहे। कहीं ना कहीं हमारे एंशियंट साइंस को सप्रेस किया गया है और ये चीज़ फैक्ट है। डू लाइक एंड फॉलो अस फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट जस्ट लाइक टुडेज टॉक। दिस इज एएस पटेल फ्रॉम स्ट्रैटिफाई इंडिया। आई विल सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।